होगा, जिसके बाद औपचारिक तौर पर यह पूरा प्रोटोकॉल हमारे सामने पूरा कार्यक्रम दिखेगा कि किस तरीके से राजकीय यात्रा में किस तरीके के औपचारिक कार्यक्रम के तहत राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्वागत उसी प्रोटोकॉल के तहत। हम देख सकते हैं कि अमेरिका में भारत के एम्बेसडर संधु जी भी इस वक्त और ये जो काफिला था ये भारतीय प्रतिनिधि मंडल का, ममता, जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री गए हुए हैं, इसके अलावा हमारे जो एनएसए अजीत डोवाल साहब हैं और तमाम विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ लोग हैं, साथ ही साथ अमेरिका में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों की काफिला था, वो सब लोग भी अब यहाँ पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का बस आने ही वाले हैं। तो निश्चित तौर से जहां अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल मौजूद है, भारत का प्रतिनिधि मंडल मौजूद है और ये तमाम लोग अब इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने का। और स्टेट विजिट की एक बड़ी बात ये भी होती है, ममता, जिस राजकीय सम्मान के तहत देखा जाता है कि व्हाइट हाउस के ऊपर में जिस देश के अतिथि को राजकीय अतिथि के तौर पर सम्मानित करके बुलाया गया है, उस देश का झंडा भी लगातार एक तरीके से व्हाइट हाउस पे दिखाई पड़ता है। और शायद इसीलिए हमारे सहयोगी अशोक श्रीवास्तव इस बात का जिक्र कर रहे थे कि व्हाइट हाउस तिरंगा में नजर आ रहा है। दरअसल ये एक प्रोटोकॉल का भी हिस्सा होता है, स्ट्रीट फ्लैग लाइनिंग कहा जाता है इसको, कि जिस समय राजकीय यात्रा के दौरान जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उससे पहले तमाम स्ट्रीट्स, व्हाइट हाउस में तो झंडे लगते ही हैं, तिरंगा लहरा ही रहा है, लेकिन स्ट्रीट्स पर भी, सड़कों पर भी दोनों देशों के तिरंगे लगाए जाते हैं, इस बात का एहसास कराने के लिए कि देश में कोई बेहद विशेष मेहमान आ रहे हैं। और राजकीय यात्रा के तहत अमेरिका एक देश के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार है। हम देख सकते हैं कि सभी विशिष्ट अतिथि इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं हम स्क्रीन पर, और सभी अपनी पोजीशन ले चुके हैं और बस उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा व्हाइट हाउस में। और बिल्कुल एक इतिहास लिखा जा रहा है, एक ऐतिहासिक वक्त, एक ऐतिहासिक लम्हा, जब भारत और अमेरिका के संबंधों की ऊंचाइयां दर्ज की जा रही हैं, सिर्फ इन दो देशों में नहीं बल्कि दुनिया भर में। दुनिया भर की नजरें लगी हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस राजकीय यात्रा पर, जो कि अमेरिका की यात्रा चल रही है। और निश्चित तौर से यहां से भारत और अमेरिका न सिर्फ आपसी संबंधों के लिहाज से आने वाले एक दशक या उससे ज्यादा का एक बड़ा आधार तैयार करेंगे, बल्कि दुनिया की जो बड़ी चुनौतियां हैं, वैश्विक समस्याएं हैं, उसके समाधान पर दोनों देश कैसे दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, उसका सिलसिला भी यहां से निकलता नजर आएगा। तो अपने आप में बेहद भव्य, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास तस्वीरें जब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का, और रेड कार्पेट बिछाकर अमेरिका इंतजार कर रहा है 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये तस्वीरें उस बात की गवाह है कि कैसे आज अमेरिका भारत को मान सम्मान दे रहा है, इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, इसके अलावा हमें नजर आ रहे हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, और इसके साथ साथ विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और तमाम अन्य मेहमान भी, और अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं वो भी, संधु साहब, वो भी नजर आ रहे हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ अमेरिका के लिहाज से अगर बात की जाए तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति, वहां के विदेश मंत्री, वहां के रक्षा मंत्री और तमाम महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद के लोग इस वक्त मौजूद हैं। और ये अपने आप में रस्मी तौर पर हम 21 तोपों की सलामी की वो गूंज भी देखेंगे। वो गूंज सिर्फ व्हाइट हाउस के प्रांगण तक नहीं है, बल्कि उस 21 तोपों की सलामी की गूंज भारत अमेरिका के कोने कोने तक पहुंचेगी, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। और वो गूंज एक तरीके से होगी अमेरिका के द्वारा भारत के साथ दोस्ती को और आगे बढ़ाए जाने की इबारत को लिखने के लिए। और नरेंद्र, मुझे लगता है कि इस वक्त व्हाइट हाउस में जिस तादाद में भारतवंशी उपस्थित हुए हैं, शायद पहले या बहुत कम ऐसा नजारा देखने को मिलता होगा, खासतौर पर राजकीय यात्राओं में, जब किसी देश के लोगों का इतना बड़ी संख्या में अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित होना। तो ऐसे में इस बार जो लोग वहां उपस्थित हैं वो तो इस बात का अनुभव स्वयं कर ही रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़े स्तर पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए इस राजकीय यात्रा के तहत प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए व्हाइट हाउस तैयार है। लेकिन साथ ही साथ डीडी न्यूज के माध्यम से ये तमाम दृश्य हम भी अपने देशवासियों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये सम्मान हमारे प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों का है। और इसीलिए जब भी राष्ट्रगान बजता है तो गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, खासकर जब अमेरिका, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, और भारत,
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जब ये दोनों लोकतांत्रिक देश एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं, वो भी इस सोच के साथ कि जिन रिश्तों को पिछले सालों में बहुत आगे बढ़ाया गया है, प्रगाढ़ किया गया है, इस दौरे के साथ उसमें एक नई दिशा इन रिश्तों को मिल सकती है, एक नया इतिहास, एक नई इबारत लिखी जा सकती है, इस उम्मीद के साथ ये जब दौरा शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आकांक्षाएं ना केवल भारतवासियों की, ना केवल अमेरिकी लोगों की, बल्कि विश्व भर के देशों की आकांक्षाएं परवान चढ़ने को आतुर हैं, खासकर इस सोच के साथ कि उन सब का विकास का रास्ता, उनकी समस्याओं का समाधान भारत और अमेरिका जब साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर चलेंगे तो उस समाधान को लेकर भी आगे आ सकते हैं। और इसीलिए ये राजकीय सम्मान हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इसको जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और ये औपचारिकताएं मूर्त रूप से सामने आएंगी, तो जाहिर है कि इस राजकीय यात्रा के तमाम पहलुओं से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। बिल्कुल ममता, जिस बात का जिक्र आपने किया, एक मिनी इंडिया यहां पे नजर आ रहा है, करीब 7,000 के आसपास बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं भारतीय, और अब संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी का यहां पे मौजूदगी होगी, क्योंकि वो रिसीव करने आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, अमेरिका की प्रथम महिला, दोनों ही पहुंच चुके हैं, और बमुश्किल कुछ क्षणों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, और एक मिनी इंडिया भी वहां पर इस वक्त कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो इन संगीत लहरियों के बीच हर कोई आतुर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पल का इंतजार करते हुए, और प्रधानमंत्री बस कुछ ही क्षणों में यहां आगमन होगा व्हाइट हाउस में, जिसके बाद औपचारिक स्वागत की औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। ऐतिहासिक तस्वीरें, और ये वो गाड़ी का आना हुआ, और फ्रेम में हमें सबसे पहले तिरंगा लहराता हुआ गाड़ी पर दिखाई पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल और विशिष्ट मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री का परिचय करवा रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हैंडशेक करते हुए प्रधानमंत्री, और ये सभी विशिष्ट अतिथि जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य। और ममता, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पीछे से आवाज सुनिए आप, मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे सुनाई पड़ रहे हैं, जिस मिनी इंडिया का हम जिक्र कर रहे थे, विदेश मंत्री के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का ये हैंडशेक, और इसके अलावा रक्षा मंत्री के साथ में प्रधानमंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ में प्रधानमंत्री का यह मुलाकात, और ये तमाम विशिष्ट लोगों के साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करवाते हुए, इसके बाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल से अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात। सबसे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए विदेश सचिव, उसके अलावा एम्बेसडर जो अमेरिका में है, तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद प्रतिनिधिमंडल में, जिनके साथ में दोनों ही नेताओं की मुलाकात, और ये बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि इस मुलाकात के मायने बहुत कुछ हैं। संभवतः यहाँ वो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, 21 तोपों की सलामी से लेकर तमाम वो प्रोटोकॉल जो एक राजकीय अतिथि के लिए किया जाता है, और पीछे से भारतवंशियों की वो गूंजती आवाज सुनाई पड़ेगी। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, the national anthem of the Republic of India, followed by the national anthem of the United States. Thank you.
Distinguished guests, the President of the United States.